वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे, आज हम लोग 7 क्लास का काउंटडाउन देखते हैं। डे क्या है? 15। तो बच्चे, डे 15 में आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्ट द सम्स। इन सम्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, मतलब एलसीएम लेना है। तो बच्चे, आप लोग पहले आप लोगों ने रेंज करना है इनको। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो मैंने इसको रेंज करके लिख लिया, बाद में डिनोमिनेटर सेम थे तो मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने डिनोमिनेटर सेम करने हैं पहले। तो मैं क्या करूँगी, मैंने 36 को पहली वाली वैल्यू के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और 24 को दूसरी वाली वैल्यू के ऊपर नीचे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 7 को 36 से किया तो मेरे पास ये 252 आ गया, और 24 को 36 से किया तो 864 आ। इसी तरह मैंने इसको इसे किया, 264 आ गया, और इस तरह ये आ गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया, मैंने दोनों को क्या किया, माइनस कर दिया बच्चे, ठीक है। यहाँ पर आप एक स्टेप डायरेक्ट हो गया है, तो आप यहाँ पर 864 और 252 माइनस 264 लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद इन दोनों को माइनस करोगे तो 12 माइनस 12 आ जाएगा। बच्चे, मैंने कटिंग की है 6 के साथ, तो 6 टू द 12, ठीक है, 6 वन द 6, 6 फोर द 24, फिर 2 इधर कैरी चले गए, तो फिर 6 फोर द 24, फिर 2 वन द 2, 2 7 द 14, 2, ठीक है, 2 टू द 4, तो माइनस 1/72 आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि बरीकरण के साथ माइनस का साइन, तो माइनस का साइन साथ एज इट इज आएगा। इसी तरह बच्चे, मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है, और इसी तरह मैंने ये वाले क्वेश्चंस भी किए हैं। तो आप लोगों ने केयरफुली इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।